हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु शर्मा आज आपको आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक से पार्ट 4 फूलों का नगर पढ़ाऊंगी, जो कि एक कहानी है। देखिए, फूलों का नगर, बच्चों ये कहानी, इस कहानी में ऐसे दो शिष्यों की कथा है जो अपने गुरु से प्राप्त जो शिक्षा थी, जो उनकी दी हुई सीख थी, उसका पालन कौन कैसे करता है और कौन कैसे नहीं करता, वो अपने जीवन में उनकी शिक्षा को किस प्रकार से उतारते हैं, उसी की कहानी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। गुरु वेदांत थे, उनका एक आश्रम था, वहाँ पर कई देशों से, विभिन्न कई राज्यों से कई राजकुमार आते थे, जो वहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और वो अपनी शिक्षा में पूर्णतः निपुण होकर वापस लौटते थे। गुरु अपने शिष्यों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। यूँ तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन दो विशेष शिष्य थे, अमृत और अनिरुद्ध, जो उनकी दिन रात सेवा करते थे और आश्रम का सारा कार्य भी स्वयं ही किया करते थे। जब उनकी, अनिरुद्ध और अमृत की शिक्षा संपूर्ण हो गई, तब वो आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ, कुछ विशेष सीख देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएगी। देखो क्या कहते हैं वो, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी, क्योंकि राजकुमार थे और आने वाले समय में उस देश के राजा होने वाले थे, तो उनके लिए सीख बहुत ही आवश्यक थी। क्या अब क्या सीख दी गुरुजी ने उनको? दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। अहिंसा का मार्ग अर्थात हिंसा नहीं करना अपने जीवन में, और प्रकृति, जो ये प्रकृति है उसकी आपको रक्षा करनी है। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी कि हाँ गुरुजी, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। अब दोनों राजकुमार वहां से चले जाते हैं गुरुजी की आज्ञा पाकर। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने, जैसे गुरुजी ने कहा कि अहिंसा नहीं करना है, आपको प्रकृति की रक्षा करनी है, तो अनिरुद्ध ने कुछ समय तक तो ऐसा किया, परंतु जब वो राजा बन गया तो राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। अपने राज्य के जो वृक्ष थे वो कटवा दिए, हरे भरे वृक्षों को कटवा कर उसने कई नगर बसवा दिए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और उसके राज्य में सूखा पड़ने लगा। अब वहीं दूसरी ओर जो दूसरा शिष्य था अमृत, उसने क्या किया, उसने जब वो राजा बन गया तो वो अपने गुरुजी की सीख को नहीं भूला कि आपको अहिंसा का पालन करना है और अपने राज्य में प्रकृति की रक्षा करनी है। वो अपने गुरु की सीख को बिल्कुल भी नहीं भूला, उन्हें अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि कोई शिकार नहीं करेगा। जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू किए, जब भी कहीं खाली जमीन देखता तो वहाँ वो फूलों के बीजों को बिखेर देता, जहाँ पर रंग बिरंगे फूलों के पेड़ पौधे उग जाते और उन पर बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ बैठती। उन्हें कोई नगर का कोई व्यक्ति भी नहीं तोड़ता था, तो बहुत ही हरा भरा और रंग बिरंगा उसका राज्य बन गया था। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ था, अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था, तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला कि महाराज, अनिरुद्ध ने अपनी सेना के साथ अपने राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अमृत उसकी दूत की बात सुनकर के परेशान हो गया और उसने ये सोचा कि अगर ये आक्रमण करेगा तो इससे तो निर्दोष प्रजा मारी जाएगी, कई लोग मारे जाएंगे, तो हम इसका क्या उपाय निकालें। तो उसने युद्ध के लिए मना कर दिया कि हम युद्ध ना करें और कुछ ऐसा उपाय निकालें जिससे युद्ध भी ना हो और शांति भी बनी रहे। तो दूत बोलता है कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम सबको बंदी बना लेगा। तो सोचने पर मजबूर हो गया अमृत और ऐसा सोचते सोचते वो अपने कक्ष में चला गया। जब सुबह हुई, प्रातः काल हुआ, तो सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर अपने बगीचे में चला गया। वहाँ रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसका चेहरा खिल उठा। उसके मन में एक विचार आया, एक योजना बनाई और उसने तुरंत अपने एक मंत्री को बुलाया, महामंत्री को बुलाया और उसे अपनी पूरी योजना समझा दी। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया।
नगर की खूबसूरती, जब वो युद्ध करने के लिए उस सीमा में आया, अमृत की राज्य की सीमा में, तो वो नगर की खूबसूरती को देख करके अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज अब हमें आक्रमण करना चाहिए। तब अनिरुद्ध क्या बोलता है, बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों ने उसकी सेना पर हमला कर दिया, क्योंकि ये योजना तो पहले से ही अमृत ने बना रखी थी कि, क्योंकि वो अहिंसा का पुजारी था, उसके गुरु ने जो उसको सीख दी थी कि आपको अहिंसा का पालन करना है, तो उसने पहले से योजना बनाई थी कि मैं जैसे ही अनिरुद्ध की सेना आएगी मैं उस पर मधुमक्खियों से हमला करवा दूंगा। निकाली मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही, मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट लिया और वे जान बचाकर वापिस भागे। अब वो उनकी सेना तो वापिस भागे, लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो अनिरुद्ध होता है उसके ऊपर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, उसके चेहरे पर पूरा काट लिया, तो उसका चेहरा पूरा सूज जाता है और वो घोड़े से गिरकर नीचे गिर जाता है, घोड़े पर से, तो किसी नुकीली चीज से उसका सिर टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी अनिरुद्ध की आंखें खुलती है तो क्या पता है, वो उसको अमृत के महल में पाता है। अमृत उसके चेहरे पर, उसके सर पर प्यार से हाथ फैला रहा है। अनिरुद्ध रूदे गले से बोला, रूदे मतलब रोने के भाव से वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारी तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने ही मुझे क्यों बचाया, मैं तो तुम्हें मारने आया था बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया, अहिंसा ही मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने गुरुजी की सीख मानी। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष है और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। अनिरुद्ध से कहता है अमृत कि जब तुम लोग मेरे राज्य पर आक्रमण करने आए, मेरे ऊपर आक्रमण करने आए, तब मैंने पहले ही मंत्रियों के साथ योजना बना ली थी, क्योंकि मेरा पूरे शहर में मैंने फूलों का मेरा नगर बसा हुआ है, तो मैंने उस पर जो मधुमक्खियाँ बैठती है, तो मेरे सैनिक छुपे हुए बैठे थे, जैसे ही तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने उन पर गुलेल से आक्रमण कर दिया, तो वो मधुमक्खियाँ गुस्से में आई और तुम्हारी सेना पर टूट पड़ी। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता, दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शिता दूर की देखने वाला, दूर की सोच रखने वाला और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से बोला, क्योंकि तो अहिंसावादी था, वो तो सबसे प्रेम करता था, उससे बोला कि हे मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे राज्य की स्थिति मुझे पता है, तुम जितना चाहो मेरे पास से धन लेके जा सकते हो। उसने कहीं बोरों में फूलों के बीज रख दिए और उसने कहा कि तुम अपने राज्य में जगह जगह ये फूलों के बीज बिखेर देना और मिट्टी के नीचे दबा देना, तो तुम्हारे नगर में भी चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, फूलों का नगर कहलाएगा तुम्हारा नगर भी, और सुख शांति का एहसास होगा, ताकि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ और तुम भी प्रकृति प्रेमी बनो। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। तो इस कहानी में हमने देखा कि जो अमृत था उसने आजीवन जो गुरुजी की सीख थी, प्रकृति प्रेमी और अहिंसा, इनका पालन किया और इसी के जरिए उसने एक जो आक्रमण करने आई थी उस सेना अनिरुद्ध की, उनको भी सीख दे दी और उसका भी दिल जीत लिया। थैंक यू।